खबरों की नई पहचान। थर्ड यूथ फेस्टिवल विनोद बिहारी महतो कोरियांचल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इसमें जिले के विभिन्न कॉलेजों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल के माध्यम से झारखंड की कला एवं संस्कृति को झांकियों के द्वारा दिखाया गया। क्या संदेश जाता है? मैंने एसएसएलएनटी की जो झांकी प्रस्तुत की उसके माध्यम से संपूर्ण झारखंड को एक छोटे से झांकी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जहां पर मैंने झारखंड का निर्माण कब हुआ, झारखंड के प्रतीक चिन्ह क्या है, जिसमें राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी कोयल है, राजकीय फूल पलाश है, इन सबको दिखाया है। साथ ही साथ झारखंड में पारंपरिक तरीके से जो स्वागत करते हैं अतिथियों का, वो जोबो डोहार एक रस्म होती है उनके थ्रू, जिसमें अतिथियों का पैर धोकर स्वागत करते हैं आम के पत्ते से और अतिथि उनको आशीर्वाद देते हैं, ये सिस्टम। इसके बाद मैंने झारखंड के पारंपरिक खाद्य मैंने खान पान को दिखाया है, जिसमें ढुसका पतरा पिट्ठा अरसा आदि चीजों को दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद मैंने झारखंड के पारंपरिक वाद्य और पारंपरिक नृत्य, जिसमें छऊ है और पारंपरिक वाद्य में नगाड़ा शहनाई ढोल मांदर, इन सारी चीजों के माध्यम से नृत्य और वाद्य के माध्यम से झारखंड के पारंपरिक वाद्यों को दिखाया है। इसके बाद झारखंड के पारंपरिक त्यौहार जिसमें सरहुल है, जिसमें उनके जो पुजारी पाहन होते हैं वो आने वाले समय में यानी वर्ष में कैसी वर्षा होगी इसकी भविष्यवाणी करते हैं, सरहुल है। उसके बाद कर्मा जो भाई बहन का त्यौहार है उसको दिखाया, जिसमें करम डाल भी दिखाया गया है। कर्मा जो जावा उगाते हैं अनाज के रूप में, वो कैसा अनाज अगले साल होगा इसका प्रतीक है। साथ ही साथ मैंने टुसू को भी दिखाया है, जो कुमारी लड़कियों का एक त्यौहार है, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में टुसू बनाया है, आप देख सकते हैं पीछे वहाँ उसका प्रतीक चिन्ह है। इस तरीके से मैंने झारखंड की संपूर्ण संस्कृति को एक छोटी सी झांकी में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। खबरों की नई पहचान।